आज का जो ये नोटिफिकेशन है पीएचडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप क्यों है अभी बताएंगे आपको क्यों इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए जामिया का नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो है आप अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके बावजूद भी अपने जितने जानने वाले हैं उनके जानकारों के पास आप जो स्टडी कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपके जो पढ़ने वाले हैं और चाहे उसके फैमिली में पढ़ने वाले हैं उसको ये नोटिफिकेशन ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर बच्चे को मालूम रहे, क्योंकि करियर के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये आपको क्लियर देना चाहते हैं जामिया का। हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फिलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं इस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। तो देखिए ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा ये सोशल मीडिया पर कुछ महीने पहले बहुत वायरल था ये वीडियो, और ये भी जो पिक्चर है ये भी वायरल था, और इसके अलावा ये लिखा हुआ न्यूज़ भी वायरल हुआ था कि यूपीएससी रिजल्ट 2023 कोचिंग में रहना सब फ्री, जामिया आरसी में 31 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में पास। इसके अलावा ये जो जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर जो फॉर कोचिंग फॉर करियर प्लानिंग जामिया का है, ये जो यूपीएससी निकाले थे ये पूरा लिस्ट वायरल हुआ था जब रिजल्ट आया था 2023 का, तो पूरा लिस्ट ही वायरल हुआ था 31 लोगों का, और ये बहुत चर्चा में रहा। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसी से रिलेटेड है, जामिया कोचिंग से रेसिडेंशियल कोचिंग के बारे में एक नोटिफिकेशन आया है। पहले वो नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा दूँ तब बात करेंगे इस पर। देखिए जामिया का नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो है आप अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके बावजूद भी अपने जितने जानने वाले हैं उनके जानकारों के पास आप जो स्टडी कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपके जो पढ़ने वाले हैं और चाहे उसके फैमिली में पढ़ने वाले हैं उसको ये नोटिफिकेशन ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर बच्चे को मालूम रहे, क्योंकि करियर के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये आपको क्लियर कर देना चाहते हैं जामिया का। ये देखिए जामिया का जो कोचिंग है जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कराता है वहाँ का ये कोचिंग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, कब पास हुआ। हालांकि जामिया ये कोशिश करते रहता है कि बहुत लंबा डेट दें। देखिए ये लंबा डेट कितना है, मार्च 2024 से निकला हुआ है और जून तक है ये फॉर्म अप्लाई करने का, तो बहुत लंबा डेट है। उसके बावजूद भी डेट बढ़ भी सकता है, ये बात ख्याल रहा, लेकिन बहुत लंबा डेट है जून तक, तो काफ़ी सब लोगों को पता चल जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किसी को पता ना हो और जानकारी ना हो, या आपके घर में कोई स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन ये पूरा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको सब कुछ मिलते हैं। देखिए इसका लास्ट डेट आपको 19 जून है, तो अगर कोई जानने वाला है तो इसको फॉर्म अप्लाई कर दें। कि क्यों कर दें, क्योंकि यहाँ अगर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कम खर्चे में आप बन जाइएगा। और यहाँ पे देखिए एक से एक आपको हर चीज़ें यहाँ पे कोचिंग में आपको हर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, आपको यहाँ पे हर चीज़ें मिलेगी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे इवन यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी भी बुलाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंस होते हैं जो इस फील्ड में है उनको बुलाया जाता है। सिलेक्शन यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट भी देख सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, देखिए यूपीएससी में ही नहीं आपको अदर्स में भी आपका यहाँ सिलेक्शन होता है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि स्टाफ सर्विस कमीशन में भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, स्टाफ सर्विस कमीशन भी हो गया है, उनमें भी आपका सिलेक्शन होता है। तो कई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो अगर यहाँ पे आप और कोचिंग करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट होगा।
और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिखा दें कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि ये माइनॉरिटीज़ की संस्था है तो सिर्फ यहाँ मुस्लिम ही पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के और रीजन के स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए, UGC ग्रांट कमीशन द्वारा इसका फंडेड होता है, ये सरकारी संस्थान द्वारा ये चलाया जाता है। हालांकि इसमें देखिए SC ST और ओमेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को यहाँ पे के लिए चलाया जाता है, और जॉब और पूरे एकेडमिक जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव इसका है आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, तो यहाँ से आपको अगर जाइएगा तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा यहाँ से। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी में हो तो जो भी है उसको तक आप ज़रूर पहुँचा दें यहाँ पे, और उसे दे दें ताकि कोई भी इससे वंचित न रहे, इस स्टडी से वंचित न रहे। तो ये रहा जामिया के रिलेटेड कोचिंग से रिलेटेड अपडेट, आपको ये देना ज़रूरी था। हालांकि मैं PhD से रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ, लेकिन ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो बहुत से ग्रामीण परिवेश के रहने वाले स्टूडेंट को पता नहीं चलता या नहीं जा पाते हैं, उनके लिए बेहतर है। तो वो जाके आराम से इसे भर सकते हैं और दे सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़। मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़।